नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप कोरल ड्रॉ के अंदर किस तरीके से BMW का लोगो क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको करना क्या है, सिंपली यहां टूल्स पर चला जाना है और टूल्स पर जाने के बाद आपको यहां से एलिप्स सेलेक्ट करना है और एलिप्स आपको इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। एलिप्स ड्रॉ करने के बाद आपको सिलेक्शन टूल यूज़ करना है। सिलेक्शन टूल यूज़ करने के बाद आपको कीबोर्ड में शिफ्ट को दबा के रखना है और कॉर्नर पर आकर के इसको छोटा करना है, यानी सर्कल को आपको छोटा करना है और राइट क्लिक कर देना है। इस तरीके से राइट क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से टूल्स पर जाकर के पेन टूल को सेलेक्ट कर लेना है। पेन टूल सेलेक्ट करने के बाद आपको अपने सर्कल पर आना है, जो आपको सर्कल दिखाई दे रहा है इस सर्कल पर आपको सिंपली क्या करना है, क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पर कोऑर्डिनेट का एक ऑप्शन नज़र आएगा, आपको इस पर सिंपल क्लिक करना है और शिफ्ट के साथ स्ट्रेटली लाइन आपको नीचे खींच लेनी है, या फिर डायरेक्टली आप देखेंगे कोऑर्डिनेट यहाँ नीचे भी आपको नज़र आएगा। सेम पोजीशन पर आपको यहाँ पर पॉइंट पर डबल क्लिक कर देना है ताकि आपकी लाइन जो होगी वो यहाँ पर ड्रॉ हो जाएगी। सेम इसी तरीके से आपको यहाँ पर आना है और यहाँ पर भी आपको कोऑर्डिनेट का एक ऑप्शन नज़र आएगा, इस पर क्लिक करना है और स्ट्रेटली लाइन को ले जा करके आपको सिंपली यहाँ पर कोऑर्डिनेट पर ही इसको एंड कर देना है डबल क्लिक करके। इस तरीके से आपको एंडिंग करनी है और इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से स्मार्ट फिल टूल पर जाना है और यहाँ से आपको यूज़ करना है स्मार्ट फिल टूल। इसको सिलेक्ट करने के बाद ये जो एंगल आपको नज़र आ रहा है, इस एंगल पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको कलर सेलेक्ट करना है, जैसे मान लो हमने ये कलर फिल कर दिया इसके अंदर, और ऐसे ही इस सेल्फ को सिलेक्ट करके, यानी इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके हमें यहाँ पर भी ये कलर फिल कर देना है। फिल करने के बाद आपको क्या करना है, ये जो आपको सर्कल नज़र आ रहा है, इस सर्कल को आपको शिफ्ट के साथ थोड़ा सा बिल्कुल बड़ा कर देना है कुछ इस तरीके से, और इसके अंदर आपको फिल करना है वाइट कलर। वाइट कलर फिल करने के बाद आपको ये जो बड़ा वाला सर्कल नज़र आ रहा है, इसके अंदर आपको फिल करना है ब्लैक कलर इस तरीके से, और इसके बाद आप देखेंगे इनकी आउटलाइन जो है वो ब्लैक है, तो इसकी जो आउटलाइन है उसको भी आप वाइट में कन्वर्ट कर दीजिए। शिफ्ट के साथ दोनों ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करके वाइट कलर के ऊपर आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ पर आपको यूज़ करना है सेट आउटलाइन कलर। तो आप देखेंगे आपका ये जो ऑब्जेक्ट था, इसकी आउटलाइन का कलर भी आपका वाइट हो गया। अब आपको क्या करना है, टेक्स्ट टूल यूज़ करना है और यहाँ पर कैपिटल लेटर में आपको एरियल ब्लैक फॉन्ट लेकर के BMW लिख देना है। तो हम लिख देते हैं B, दो बार स्पेस देंगे, M, दो बार स्पेस और W। इसके बाद यहाँ से आपको सिलेक्शन टूल का यूज़ करना है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेना है इस तरीके से, और बड़ा करने के बाद आपको यहाँ से जाना है टेक्स्ट टूल के ऊपर, और टेक्स्ट टूल में एक ऑप्शन आप देखेगा आपको फिट टू पाथ का, यानी फिट टेक्स्ट टू पाथ का, इस ऑप्शन पर आपको सिंपल क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये जो एंगल है इसको उठा करके यहाँ पर आपको ले आना है BMW को, और इसको अपने हिसाब से सेंटर पॉइंट पर आपको एडजस्ट करना है कुछ इस तरीके से, देखेंगे आप, और उसके बाद यहाँ पर आपको सिंपल क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अभी टेक्स्ट हमें नज़र नहीं आ रहा क्योंकि हमने जो टेक्स्ट का कलर है वो भी ब्लैक लिया हुआ है, तो यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ व्हाइट कलर पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप व्हाइट कलर पर आप क्लिक करेंगे तो आपका BMW जो होगा वो व्हाइट कलर में यहाँ शो हो जाएगा, और उसके बाद इन सभी ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करके एक साथ कंट्रोल जी कर दीजिए, कंट्रोल जी से ये ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद अब इसे थोड़ा सा छोटा कर लीजिए और F4 दबा करके आप इसे फोकस में ले लीजिए और F9 दबा के फुल स्क्रीन पर आप इसको देख सकते हैं कि आपका लोगो किस तरीके का बना है। तो दोस्तों ये था BMW बनाने का तरीका, यानी BMW लोगो बनाने का तरीका। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।